बाल साहित्य रचना करने वाले साहित्यकारों का भोपाल में सम्मान किया गया। इस अवसर पर साहित्यकारों ने कहा, अच्छा साहित्य अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। इस सम्मान समारोह का आयोजन बाल साहित्य शोध केंद्र ने किया। भोपाल में बाल साहित्य शोध केंद्र ने 15वां वार्षिक सम्मान समारोह आयोजित किया, जहां देश भर से आए बाल साहित्यकारों का सम्मान किया गया। समारोह में बच्चों के लिए साहित्य सृजन करने वाले साहित्यकारों ने कहा, अच्छा साहित्य अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। पटना से आई साहित्यकार कल्पना सिंह ने कहा कि इस तरीके से सम्मान होते रहना चाहिए, ताकि हम लेखकों का उत्साह बना रहे और हम बच्चों के लिए कुछ अच्छा लिख सकें। दिल्ली से आई विमल रस्तोगी ने कहा कि मैंने कई कविताएं लिखी हैं और बच्चों के लिए कई पुस्तकें भी लिखी। इस तरीके से सम्मान होते रहना चाहिए, जिससे साहित्यकारों को प्रोत्साहन मिलता है। बाल साहित्य शोध केंद्र के संचालक महेश सक्सेना ने बताया कि हम पिछले 15 वर्षों से कार्यक्रम करते आ रहे हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि लेखक और बच्चों का प्रोत्साहन किया जाए। मैं तो बलिया से हूँ और पटना में भी रहती हूँ और आई हूँ बेंगलोर से और यहाँ आकर काम अच्छा लगा। सबसे पहले तो एयरपोर्ट से उतरते हैं सारा और उसके बाद यहाँ जिस तरह से आना चाहता हो गया और इनका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावित हो और कार्यक्रम को छोटे छोटे प्रस्तुति उनको देख करके काफ़ी अच्छा लगा लगा कि बाल साहित्य के लिए इस तरह से कार्यक्रम होना चाहिए। ये हमारा 15वां बाल साहित्यकार सम्मान समारोह वार्षिक उत्सव है, इसके लिए हम विज्ञप्ति देते हैं और उसके अनुसार जो प्रविष्टियाँ हमारे पास आती हैं और कुछ सम्मान हमारे यहाँ निश्चित है, उनके अनुसार उनका चयन कमेटी का चयन करती है और फिर उनको सम्मानित करती है। बाल कल्याण और बाल साहित्य शोध केंद्र है, इसके दो आयाम हैं। एक तो बच्चों का कल्याण हो, बाल कल्याण, बाल कल्याण मतलब उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो हर तरह से हो जाए, है ना वो, और दूसरा ये बाल साहित्य शोध, बाल साहित्य ही बच्चों का भविष्य का निर्माता है और बच्चे ही हमारे भविष्य हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।